तो देखो रितु रिबागा, ये जो नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है वो मेरे भाई ने किया डायरेक्ट, एंड आई एम वेरी प्राउड कि भाई है इकरी में, एंड बहुत सारे दोस्त हैं इनके जिनको मतलब मैं भी जानता हूँ, आकाश भी है मेरा भाई भी आकाश। ये अंदर वाला रूम्स है ना, ये तो व्यू बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। एक तो बहुत ही यार बड़ा सा बिल्डिंग दिखते हैं, उसके पीछे यार बिल्कुल खाली स्पेस है, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको ये रहा। एंड दूसरा यहाँ पर है बांगूर नगर का एक मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखते हैं आसपास। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। तो यार ये जो ट्रांजिशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताओ। तो वैसे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बड़ी सा चीज़ है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा पेंटिंग है, एंड ये वर्थ है रुपीज़ लाइक 50,000 का। ये वैसे मैंने खरीदा नहीं, नहीं भाई ने खरीदा, भाई के एक मैनेजर आप कह लो यार, जिसके जो आर्टिस्ट आप वो काम करें ना, उस आर्टिस्ट के मैनेजर ने भाई को दिया ये गिफ्ट रूम के लिए। तो वैसे यार दिखने में बहुत ही सही है, इसको यार कैनवास पेंटिंग कहते हैं। तो कल हम सोच रहे थे कि यार इस पेंटिंग को यार इस घर पे यार कौन से कोने पर लगाए, बट ये जो पेंटिंग जो अच्छा लगता है वो है ड्राइंग रूम, बाहर के जो लिविंग रूम यहाँ पे बहुत ही सही लगता है, बट यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस है, ये स्पेसेस तो यार छोड़ देते यहाँ पे नहीं है। तो भाई बोल रहे थे कि वहाँ पे लगाए सोफे के ऊपर, बट ना वहाँ पे इतना मतलब जचा नहीं है, मुझे लगता है कि ना वहाँ से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगेगा, बहुत ही बड़ा खाली स्पेस है। मैं आपको दिखा दूँ डेमोन्स्ट्रेट करके, आप बताना कि यहाँ पे कैसा लग रहा है, ठीक है। सो इट्स अ लाइक ह्यूज पेंटिंग, ये देखो ये इसे मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे खाली स्पेस पे, एंड ये कुछ ऐसा लगेगा। एंड टाडा, तो इस तरह की पेंटिंग ना ज्यादा हैवी होता नहीं, बिल्कुल हल्का होता है। अपनी जो बिल्डिंग है ना ऊपर में और नीचे पे यार, लिफ्ट खुलते ही बहुत ही बड़ा आईना है, तो रूम पे आईना हो या फिर ना हो ना, मतलब निकलते वक्त रूम से निकलते वक्त खुद को देख सकते हैं यार, बहुत ही बड़े सा चीज़ है, हर बिल्डिंग में होना चाहिए ये चीज़। जितने भी भाईजान लोग देख रहे हैं सभी को ईद मुबारक मेरे तरफ से, मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं आसाम पे जो मुझे कल रात मैसेज कर रहे थे, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों को मैंने खुद से किया, मैंने पूछा कि भाई बहन इस बार नहीं बुला रहे हो क्या ईद में, तो वही कह रहे थे कि मैं तो अभी घर पर नहीं हूँ, तो वैसे ना मुझे बुलाते हैं हर साल बुलाते हैं मुझे, तो मैं एक तो ना ये कि ना मुझे फिर जाने का टाइम नहीं मिलता, बहुत ही ऑफ टाइम रहता है कि मैं घर पर रहता नहीं, इस वक्त मैं कहीं कहीं ट्रैवल कर रहा होता ना तो मैं गया ही नहीं, एक ही बार गया था बहुत साल पहले एक फ्रेंड के घर पे, अदरवाइज ऐसे दावत में तो यार चलते ही रहते हैं फ्रेंड्स के यहाँ पे। तो रूम के बिल्कुल पास ही में ना यहाँ पे मोटर बाइक का यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स या फिर गियर का बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, शॉप है बहुत ही बड़ा, 3-4 एक ही साथ है जो मैंने दिखाया, रॉयल एनफील्ड का भी है। सो बोलने का तात्पर्य ये है कि यार आई एम मिसिंग माई बाइक, मैं अपने मोटरसाइकिल को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं बाइक में होता ना मतलब कि मैं बाइक लेके यहाँ कहीं आना जाना मैं कर लेता यहाँ पर, ऑटो का बहुत ज़्यादा खर्च है, वैसे ऑटो पे बस उठते ही यार 50-60 रुपीज़ कट हो जाते हैं वन टाइम से आने जाने का, मतलब दिन में कम से कम 150 रुपये मेरे जाते हैं ऑटो में, ये मान के चलो। डी डे वॉज नाइस ग्रेट, बट बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया मैं, एंड मुझे अब ये देखना है कि ना घर पे सब्जी नहीं है खाने के लिए कुछ भी, तो ये देखना है कि आगे सब्जी का शॉप खुला है या फिर नहीं है। तो देखो यार सब्जी वब्जी है नहीं यार यहाँ पे, दुकान मिल जाएगा ना आगे, आगे मिल जाएगा। तो लकीली मिल के बस एक ही ठेला है इस इलाके में। भाई एक गोभी कैसे दिए, दे दो एक 150, भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया 150। सो गाइस जो अभी छुट्टे हुए थे ऑटो से बस वही है 140 150 एक्चुअली 10 का डिस्काउंट। अच्छा मिर्चा फ्री में दे रहे अंकल जी, थैंक यू सो मच। बारिश आने वाला, आप लोग जाओ फटाफट निकलो, भीग जाओगे नहीं तो, पास ही में रह दो। अच्छा ठीक है चलो थैंक यू, आज कल परसों का लिए मतलब हो जाएगा ये 3 दिन के लिए हो जाएगा। आई नीड रेस्ट, माइंड रेस्ट, बॉडी रेस्ट, मतलब कि कल मैं ले रहा हूँ छुट्टी लीव, कल ऑफिस नहीं जा रहा, देखते हैं कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, पूरा दिन तो यार ऐसा मुझे वेस्ट करने का मन नहीं करता, कुछ भी करेंगे प्रोडक्टिव या फिर कहीं अच्छे प्लेसेस में चले जाएंगे घूमने के लिए, अदरवाइज कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, जैसे मैं अभी लगा हुआ हूँ ना ये लाइव स्ट्रीमिंग का, वो सब चीज़ भी करना है मुझे धीरे धीरे।
आई लव दिस रूम, आई लव दिस रूम वेरी मच, क्योंकि ना इस रूम में पता एक चीज है, वो है सिस्टम, सिस्टम मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर आई लव कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। तो ये है भाई, ये देखो पूरा दिन इतना बिजी कौन रहता है ब्रो, उसमें सब्जी लेने के लिए यार इसका टाइम नहीं है यार, मैं पूरा दिन घिस के आ रहा हूँ, सब्जी भी लेकर आया, ये देखो पूरा दिन यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या बनाया ब्रिटिश? अच्छा ये न्यू सॉन्ग आने वाला है तो उसी का मैं पूरा दिखा नहीं सकता वैसे, अदरवाइज मुझे गाली पड़ेगा, ये जिसका भी सॉन्ग है ना उस आर्टिस्ट से मुझे गाली पड़ेगा। तो वैसे भाई ने बहुत अच्छा बनाया, ये रहा यहाँ पर है डीओपी, ये वैसे डायरेक्टर है, कैसा लगा? अच्छा तुम्हारा ना ये तुम्हारा ये बताओ, ये तुम्हारा फर्स्ट डायरेक्ट किया हुआ रहेगा ये? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको डायरेक्ट करके? बहुत अच्छा, हम अभी मतलब ये अभी बाइट ही ले रहे थे रितो से कि लाइक कैसा गया हमारा मतलब पूरा वो ना। अच्छा इसने बोल दिया तो मैं बोलता हूँ रितो रिवा का सॉन्ग आने वाला न्यू सॉन्ग, तो वो हम कर रहे हैं लाइक हमने दो दिन में गाना पूरा शूट किया है। हाँ। और ऑलमोस्ट हमको लाइक डेढ़ एक वन एंड हाफ मंथ हो गया कि हम ये कर रहे हैं, वन एंड हाफ मंथ से इन लोग लगे हुए रितो रिवा का सॉन्ग, क्योंकि मैं जब भी आता ना ये सॉन्ग मैं सुनती रहता हूँ, मैं बस इतना मतलब प्ले कर चुके हैं अभी तक मतलब हम लोगों ने, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि मतलब कभी कभी आर्टिस्ट को पसंद नहीं आता, कभी कुछ प्रोडक्शन को पसंद नहीं, पेमेंट भी पसंद नहीं आता, लेवल को पसंद नहीं आता, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट हमारा सब डन हो गया है, अभी ये सॉन्ग हम जल्दी अनाउंस करेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करूंगा, जितने लोग देखते ना मेरे वो वाला ब्लॉग देखना। अच्छा रिलीज कब हो रहा है सॉन्ग रितो रिवा? हम अभी बोल नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुझे पता है। अच्छा इधर नहीं बोल सकते, इधर नहीं बोल सकते, ठीक है चलो यार। अगर कल को वीडियो वायरल हो गया तो नहीं होगा, दोस्त है इनके जिनको मैं भी जानता हूँ, मेरा भाई भी आकाश भी है, सबने यार बहुत ही बढ़िया काम किया, मैं देख चुका वीडियो, आपको मैं दिखाऊंगा कुछ दिनों बाद, थोड़ा सा रुक जाओ, रिलीज होने के साथ साथ अपडेट भी करूंगा दिखाऊंगा भी, ठीक है गाइस। तो यार इस ब्लॉग का करते हैं एंड, अभी बस ये करेगा काम, मैं करूंगा किचन लगे काम, तो मिलते हैं हम गाइस कल के डेली ब्लॉग्स पे, चलो बाय के स्टेक के, बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, टाटा।